Hi students. Hi parents. How are you all? Fine? Okay, good. I hope you all are good. Good afternoon, children. Say good afternoon, teacher. Yes, good afternoon. So, children, go and remove your book. Admix 11B, book number 3. Go and remove it first. Remove? Okay, good. See on the blackboard, I am going to write today's date. What is today's date? 6th October 2020. Yes? Yes. And what we are going to learn? We are going to learn GK. What we are going to learn? GK. Yes? Okay. So remove page number 3939. Remove page number? Page number 3939. Okay? Good. So children, our topic name is what? Our topic name is root vegetables. Okay? See on the blackboard, I am going to write today's topic. Our topic name is root. Our topic name is root vegetables. Our topic name is root vegetables. Understand? Okay. So children, last lecture में हमने ऊपर की जो 3 root vegetable है वो learn किया था. Yes or no? Yes. तो अभी हम वापस से वो रिवाइज करेंगे और उसके आगे क्या करेंगे? मूव करेंगे. So what it is written? Our topic name is root vegetables. Let's learn. चलो learn करते हैं. Some vegetables grow under the ground. It means कि कोई कोई वेजिटेबल्स जो होते हैं वो कहाँ ग्रो होते हैं? ग्राउंड के अंदर ग्रो होते हैं. ओके, वो टीचर ने आपको बताया था. कौन कौन से? चलो देखते हैं. नंबर वन इज बीट रूट. अंडरस्टैंड? नंबर टू इज ऑनियन. नंबर थर्ड इज कैरेट. नंबर थर्ड क्या है? कैरेट है. ओके, अभी आपको टीचर के बाद रिपीट करना है. से आफ्टर मी. नंबर वन इज बीट रूट. बोलो, नंबर वन इज बीट रूट. बोल रहे हो ना? ओके. नंबर टू इज ऑनियन. से चुरन ऑनियन. नंबर थ्री इज कैरेट. नंबर थर्ड क्या है? कैरेट. अंडरस्टैंड? गुड चिल्ड्रन. नंबर फोर इज, चलो अभी ये जो 3 हमने लर्न कर लिया था अब उसके आगे हम मूव होते हैं. नंबर फोर्थ इज रेडिस. बोलो, नंबर फोर्थ इज रेडिस. नंबर फिफ्थ इज पोटैटोस. बोलो, नंबर फिफ्थ इज पोटैटो. अंडरस्टैंड? ओके. नंबर सिक्स इज टर्निप. बोलो, नंबर सिक्स इज टर्निप. ओके, अभी आपको चीजें के साथ रीड करना है. फाइन.
बोलो नंबर फोर्थ इज रेडिस, नंबर फोर्थ इज रेडिस, नंबर फोर्थ इज रेडिस, बोलो नंबर फोर्थ इज रेडिस, ओके। नंबर फिफ्थ इज पोटैटो, नंबर फिफ्थ इज पोटैटो, बोलो जी, नंबर फिफ्थ इज पोटैटो, सर, ओके। नंबर सिक्स इज टर्निक, नंबर सिक्स इज टर्निक, बोलो नंबर सिक्स इज टर्निक, ओके। समझ में आया चिल्ड्रन? सो चिल्ड्रन, चलो टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे, सी ऑन दी ब्लैक बोर्ड। नंबर वन इज जो हम अभी आज लर्न कर रहे हैं वो लिख रहे हैं। नंबर वन इज रेडिस, नंबर वन इज रेडिश, देखो नंबर वन इज रेडिश, ओके। नंबर टू इज पोटैटो, नंबर टू इज पोटैटो, नंबर टू इज पोटैटो, अंडरस्टैंड। नंबर थर्ड इज टर्निक, नंबर थर्ड इज टर्निक, नंबर थर्ड इज टर्निक, नंबर फर्स्ट रेडिस, नंबर टू पोटैटो, नंबर थर्ड टर्निक, अंडरस्टैंड। जो अभी हमने लर्न किया वो लर्न करते, बोलो नंबर वन यस रेडिश, व्हाट रेडिश से लाउडली। नंबर टू पोटैटो, नंबर टू पोटैटो, नंबर थ्री टर्निप, नंबर थ्री टर्निप, अंडरस्टैंड। तो स्टार्टिंग से लर्न करते हैं अभी हम। आवर टॉपिक नेम इज, आवर टॉपिक नेम इज रूट वेजिटेबल्स, आवर टॉपिक नेम इज, हमारे टॉपिक का क्या नाम है, रूट वेजिटेबल, अंडरस्टैंड, ओके। लेट्स लर्न, चलो लर्न करते हैं। सम वेजिटेबल्स, सम वेजिटेबल्स, सम वेजिटेबल्स ग्रो अंडर द ग्राउंड, ओके। सम वेजिटेबल्स ग्रो अंडर द ग्राउंड, नंबर वन बीट रूट, नंबर वन इज बीट रूट, बोलो चिल्ड्रन, नंबर वन बीट रूट, नंबर टू, नंबर टू इज, नंबर टू इज ऑनियन, नंबर टू इज ऑनियन, बोलो नंबर टू इज ऑनियन, गुड। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड इज कैरेट, नंबर थ्री इज कैरेट, ओके, नंबर थर्ड इज कैरेट, अंडरस्टैंड। नंबर फोर, नंबर फोर्थ इज रेडिश, नंबर फोर्थ इज रेडिश, नंबर फोर्थ इज रेडिश, बोलो चिल्ड्रन, नंबर फोर्थ इज रेडिश, ओके। नंबर फिफ्थ, नंबर फिफ्थ इज पोटैटो, नंबर फिफ्थ इज पोटैटो, ओके, नंबर फिफ्थ इज पोटैटो, बोलो नंबर फिफ्थ इज क्या है, नंबर फिफ्थ
potato. Okay. Number six is turnip. Okay. Understand? Okay. चलो वापस से रीड करेंगे. टॉपिक नेम इज रूट वेजिटेबल्स. आवर टॉपिक नेम इज रूट वेजिटेबल्स. यस. सम वेजिटेबल्स ग्रो under the ground. Okay, some vegetables grow under the ground. Understand? Number one is beetroot. Okay. Number two is onion. Understand? Good. Number three is carrot. Bolo children, carrot. Number four is radish. Okay. Number fifth is potato. Number fifth kya hai? Potato. Number six is turnip. Number six kya hai? Turnip. Okay, children. So, वापस revise करेंगे. Yes. Okay. Our topic name is root vegetables. हमारे topic का क्या नाम है? Root vegetables. Yes. Let's learn. चलो. Some vegetables grow under the ground. Okay. Some vegetables grow under the ground. कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं? चलो लर्न करते हैं. नंबर वन इज बीट रूट. बोलो बीट रूट. सेकेंड नंबर टू इज ऑनियन. अंडरस्टैंड? नंबर थर्ड इज कैरेट. नंबर थर्ड क्या है? कैरेट. अंडरस्टूड? ओके. नंबर फोर्थ इज रेडिश. नंबर फोर्थ क्या है? रेडिश. यस. नंबर फिफ्थ इज पोटैटो. नंबर फिफ्थ इज पोटैटो. यस. नंबर फिफ्थ इज पोटैटो. नंबर सिक्स इज टर्निप. नंबर सिक्स क्या है? टर्निप. अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है आप लोग को? फिफ्थ टीचर ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते चिल्ड्रन. वेयर डू रूट वेजिटेबल ग्रो. तो आपको बताना है आंसर कि रूट का जो वेजिटेबल्स होते हैं, रूट वेजिटेबल जो जमीन के अंदर होते हैं, वो कहाँ से ग्रो करते हैं. टीचर ने आंसर बता दिया आप लोगों को. कहाँ से ग्रो करते हैं? जमीन के अंदर से. रूट वेजिटेबल मीन्स उनके नीचे भी एकदम रूट रहता है और ऊपर भी वो रहता है, मीन्स ऊपर भी उनका रूट रहता है. ठीक है. रूट वेजिटेबल कहाँ ग्रो होते हैं? यस, अंडर द
ग्राम, वेरी गुड। चलो वापस से रिवाइज करते हैं। वंस अगेन वी आर गोइंग टू रिवाइज इट। आवर टॉपिक नेम इज रूट वेजिटेबल्स। ओके, आवर टॉपिक नेम इज रूट वेजिटेबल्स। अंडरस्टैंड? लेट्स लर्न। चलो लर्न करते हैं। सम वेजिटेबल्स, grow under the ground. Some vegetables grow under the ground. Number one, beetroot. Number one, beetroot. Bolo children. Number one, beetroot. Yes, beetroot. Bolo. Very good. Number one is beetroot. Number two is onion. Number two क्या है? Onion. Understand? Number three is carrot. Number three क्या है children? Carrot. आप लोग बोल रहे हो ना टीचर के साथ? गुड। बोलो नंबर थ्री इज कैरेट। नंबर फोर इज रेडिश। नंबर फिफ्थ इज पोटेटो। नंबर सिक्स इज टर्निप। अंडरस्टैंड? अभी आप लोग बोलो। नंबर वन इज बीटरूट। नंबर वन क्या है? बीटरूट है। ओके गुड। नंबर टू इज ऑनियन। बोलो। नंबर टू इज ऑनियन। वेरी गुड चिल्ड्रन। नंबर थर्ड इज कैरेट। नंबर थर्ड क्या है? कैरेट। अंडरस्टैंड? ओके वेरी गुड चिल्ड्रन। नंबर फोर्थ इज रेडिश। नंबर फोर्थ क्या है? रेडिश। यस गुड चिल्ड्रन। नंबर फिफ्थ क्या है? पोटेटो। एंड लास्ट नंबर सिक्स इज टर्निप। ओके, आप लोग को समझ में आया चिल्ड्रन? हैव यू लर्न दिस जीके? सो चिल्ड्रन, आपको घर पे बहुत अच्छे से स्टडी करना है जीके, स्टोरी, कन्वर्जेशन, यस, पोएम, इंग्लिश, मैथ्स, एवरीथिंग, सब पढ़ाई करना है आप लोगों को, ठीक है? और घर पे ही रहना है, बाहर नहीं जाना है, घर पे ही सेफ रहना है आप लोगों को, ठीक है? सो चिल्ड्रन, दिस ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफी है। तो इसके बाद आपको एक लिंक आएगा जिस पे आपको क्लिक करना है, वंदे मातरम सॉन्ग सिंग करना है, फाइन, स्टैंडिंग पोजीशन में होकर। पेरेंट्स, आप ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे स्टैंडिंग पोजीशन में है या नहीं है, ठीक है? और आपको अच्छे से घर पे स्टडी करना है, ठीक है चिल्ड्रन? ओके, बाय बाय, टेक केयर।